ओम शांति। तुम्हारा ये नया झाड़ बहुत मीठा है, जैसे नए नए पत्ते निकलते हैं ना, बहुत कोमल कोमल से होते हैं तो माया खा जाती है, क्योंकि इतना ज्ञान नहीं होता, इतनी समझ नहीं होती है, तो बुद्धि इधर उधर भटक जाती है। अभी बाबा को जाना पहचाना अभी शुरू किया होता है, तो धीरे धीरे माया क्या करती है, उनको अपने चंगुल में फंसा देती है। मीठे होते हैं ना, कोई ज्ञान में कैसा चलता है कैसा नहीं चलता, जो महारथी है उनको फॉलो ना कर, जो अलबेलेपन और आलस्य में चलते हैं उनको फॉलो करने लगते हैं, तो बाप का हाथ छोड़ इधर उधर बुद्धि चली जाती है, दैवी गुणों की धारणा नहीं होती है, ज्ञान में इतना पक्के नहीं होते हैं, योग पर ध्यान नहीं होता है, जो जैसा कहता है वैसा सोचते, ऐसे ही करने से ऐसा हो जाता है। तो छोटा होता है, मीठा होता है, मीठे झाड़ को कीड़े लगते हैं। तो आज डिटेल में बाबा समझाएंगे कि कैसे तुमको सब बातों का ध्यान रखते हुए अपनी संभाल करनी है। तो मीठे झाड़ को कीड़े लगते हैं, तो कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मनमना भाव। माना जब आपका ध्यान एक बाप की तरफ होता है, एक बाप से सुनते हो, एक के साथ रहते हो, तो आपको कीड़े नहीं लगेंगे, माना आपकी बुद्धि भटकेगी नहीं। हमारा भी एक नया झाड़ है और बड़ा मीठा है, बड़े प्यारे हैं, तो माया को भी बड़े प्यारे, जैसे उसके बहुत पुराने ग्राहक है ना, तो माया एकदम परेशान हो जाती है, उसके ग्राहक कहाँ चले गए, तो वो तंग करती है, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, तो कई हाथ छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं, और कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मनमना भाव। वंडरफुल समझानी है, वंडरफुल ज्ञान है, इसको समझने के लिए योग भी जरूरी है, धारणा भी जरूरी है, और सेवा भी जरूरी है। तो चार सब्जेक्ट बताए हैं, हम सबको मालूम है कि चार सब्जेक्ट है, ज्ञान योग धारणा सेवा, तो चारों का आपस में कनेक्शन है। अगर चारों सब्जेक्ट अच्छे हैं तो नंबर वन है, और अगर एक भी सब्जेक्ट में ऊपर नीचे होता है तो कहीं ना कहीं देवाभिमान आ जाता है, और वो देवाभिमान बाप का हाथ छुड़ा देता है। बाबा हाथ नहीं छोड़ता, ये पांच विकार हाथ छुड़ाते हैं, बाबा कभी हाथ नहीं छोड़ता, क्योंकि जब हम बाबा के बनते हैं तो पवित्र तो नहीं होते हैं, फिर भी बाबा को जानते हैं पहचानते हैं शुरुआत करते हैं, तो बाबा तो गोद में उठा लेता है। ये नटखटपना जो है कि माया के वापस गोद में जाने का, ये मनुष्य आत्मा स्वयं करती है, इसलिए कि अपना ही मित्र बनती है, अपना ही शत्रु बनती है। तो मीठे झाड़ को कीड़े लगते हैं, और कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मनमना भाव। अच्छा,